हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल। गाइस, हाउ टू यूज टू व्हाट्सएप इन आईफोन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो अपने आईफोन में ड्यूल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। फिर चाहे गाइस आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब या फिर गाइस कोई भी एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन यूज़ करने का मतलब है कि गाइस आप जो है दोनों एप्लीकेशन के अंदर अपने डिफरेंट नंबर से लॉग इन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बताऊंगा यदि आपके पास दो नंबर हैं एंड दोनों व्हाट्सएप में जो है आप डिफरेंट नंबर के साथ अपना यूट्यूब या फिर गाइस व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हो तो गाइस कैसे आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप सभी देख लो, हमारे पास दो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है एंड गाइस यहाँ पे दो यूट्यूब भी हैं। बट गाइस मैं मेनली आपको बताऊंगा यदि आप जो है दो व्हाट्सएप को यूज़ करना चाहते हो अपने आईफोन्स में, वो भी अलग अलग नंबर के साथ, तो वो आप कैसे कर सकते हो बहुत ही ईजी से स्टेप्स में। चलो गाइस यहाँ पे वीडियो को कर लेते हैं शुरू एंड आपको फुल डिटेल के साथ बताते हैं कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हो। बेसिक सी बात है गाइस, यहाँ पे इस टॉपिक जो है वीडियो का हो सकता है कि आपको लगे कि हाउ टू यूज ड्यूल एप्लीकेशन या फिर हाउ टू यूज टू व्हाट्सएप इन आईफोन, दोनों गाइस बात एक ही है। तो वीडियो गाइस आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, यदि आप मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं सिर्फ और सिर्फ आईफोन से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करता हूँ, ताकि गाइस जितने भी मेरे आईफोन के यूज़र्स हैं उनके पास जो है बहुत सी यूज़फुल वीडियोस मैं दे सकूँ एंड वो घर बैठे अपने कुछ प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन निकाल सकें। एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने आईफोन्स के अंदर तो प्लीज़ गाइस आप जो उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें। कुछ इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक अगर आपके कोई व्हाट्सएप या फिर गाइस किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एरर्स आती हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके आईफोन्स में, तो उसका गाइस मेरे को जो स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि ब्रो हमारे डिवाइस में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसे फिक्स आउट कर दो। प्लीज़ गाइस आप जो है हमें ऐसे डीएम कर सकते हैं, हम आपके लिए सॉल्यूशंस वीडियोस ही अपलोड करते हैं चैनल पर। चलो हम जो है आगे गाइस पढ़ते हैं, यहाँ पे मेन टॉपिक पे बताते हैं आपको कैसे आपको व्हाट्सएप यूज़ करनी है, दो व्हाट्सएप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आईफोन्स में। और राइट गाइस, तो चलो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक का। यहाँ पे आपको गाइस क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोनों व्हाट्सएप जो है आपको दो नंबर से यूज़ करनी है। तो आप जो है यहाँ पे गाइस आपको दो नंबर हैं आपके, तो यहाँ पे गाइस आपके पास दो नंबर हैं, दोनों में अलग अलग आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये गाइस आपका फॉर एग्जांपल पहला है और इसमें गाइस आपका पहला नंबर लॉगिन है या फिर गाइस पहले नंबर से आप यूज़ कर रहे हैं एंड ये गाइस आपका दूसरा व्हाट्सएप है एंड इसमें जो है आप दूसरा नंबर यूज़ करना चाहते हैं, राइट। तो आप सभी को इसके लिए गाइस क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप जो ड्यूल एप्लीकेशन रखना चाहते हैं अपने आईफोन में तो उसके लिए आपको सिंपल सा एक जो है काम करना है, वो कि आपको इस तरीके से होल्ड रखना है, ठीक है। और ये आप किसी भी एप्लीकेशन का ड्यूल जो एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल से स्टेप्स के साथ। आपको इस तरीके से होल्ड रखना है, होल्ड रखने के बाद आपको इस तरीके की राइट करना है, यानी कि दोस्तों आपको लेफ्ट की तरफ जो है स्वाइप करना है। एंड देख लो गाइस, फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम मेरे पास ऑलरेडी जो है मैं दो एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहता हूँ, ड्यूल एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास गाइस ऑलरेडी जो है फॉर एग्जाम्पल पेपैल एप्लीकेशन ऑलरेडी है या फिर गाइस कहने मेरे पास जीमेल ऑलरेडी एक है और इसको भी गाइस मैं जो है ड्यूल एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो इसको भी मैंने कुछ इस तरीके से होल्ड करके लेके जाना। गाइस देख लो हमारे पास जो है दो जीमेल्स आ गई हैं। बट गाइस अभी रुके, मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप पे कैसे आपको यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से आप ड्यूल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्यूल हैं, यानी दोस्तों इसमें अकाउंट जो है सेम ही है। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप पे आपने ये चीज़ कैसे करनी है एंड व्हाट्सएप पे आप जो अलग अलग नंबर के साथ दो डिफरेंट नंबर कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपका एक पहला नंबर इसमें होगा और दूसरा इसमें। बट गाइस यहाँ पे आपको बता दूँ ये जो जी मेल्स वगैरह हैं ये सारी की सारी एक ही अकाउंट लॉगिन होता है, तो ये गाइस इसमें जो है कोई फ़ायदा नहीं है। बट गाइस आप कर सकते हो, यदि आप क्लोन एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या फिर ड्यूल एप्लीकेशन देखना चाहते हैं अपने आईफोन में, तो ये चीज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन टॉपिक की तरफ, आपको दो नंबर कैसे यूज़ करने हैं अपने अलग अलग व्हाट्सएप पे और अलग अलग नंबर के साथ। सबसे पहले आपको जाना है एप्पल स्टोर पे एंड एप्पल स्टोर पे गाइस सबसे पहले देख लो, ये हमारा एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन है और ये वाला गाइस मैं जो इसको यहाँ पे आप जो है रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इस वाली को एप्लीकेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। अब गाइस यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है व्हाट्सएप, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइप कर दें व्हाट्सएप, तो सबसे पहले गाइस आपको जो ये वाला व्हाट्सएप जो गाइस यहाँ पे आता है नॉर्मली इसको इंस्टॉल कर लें एंड उसके बाद दोस्तों आप सभी को गाइस क्या करना है, यहीं पे आपको सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करके आप गाइस यहाँ पे व्हाट्सएप जो है बिजनेस, जी हाँ, तो आप सभी को शायद पता होगा बट फिर भी गाइस मैं इसके अंदर एक जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो आप फॉलो करें। तो ये रहा गाइस हमारे पास व्हाट्सएप बिजनेस और ये है हमारा नॉर्मल वाला व्हाट्सएप जो हम यूज़ करते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको देखना है कि आपको अलग अलग नंबर कैसे आपको इन दोनों व्हाट्सएप के अंदर यूज़ करने हैं। ये रही गाइस हमारी दोनों एप्लीकेशंस, एक है व्हाट्सएप दूसरी है व्हाट्सएप बिजनेस। तो आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो पहली वाली व्हाट्सएप है यहाँ पे आपको नॉर्मली अपना पहले वाला नंबर लॉगिन कर लेना है, इसमें गाइस आप यूज़ कर लेंगे। अब गाइस दूसरा नंबर कैसे आपको इसमें यूज़ करना है अपना, वो मैं आपको बता देता हूँ एक साथ, ठीक है। तो आपको यूज़ करना है अपना व्हाट्सएप बिजनेस, इसको आपने
यहाँ पे एग्री करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप सभी के सामने आएगा, यहाँ पे अलाउ कर दें। एंड देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूज दिस नंबर एंड यूज डिफरेंट नंबर। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा आप जो है दूसरा नंबर देना चाहते हैं या फिर सेम नंबर यूज करना चाहते हैं। तो गाइस बेसिक सी बात, आप दूसरा नंबर यूज करेंगे तभी गाइस आप जो है दो व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं अपने आईफोन में, तो इसलिए गाइस आपको यहाँ पे दूसरा नंबर दे देना है। देखो गाइस लिखा हुआ यूज अ डिफरेंट नंबर, तो यहाँ पे सिंपली आपको वो नंबर दे देना है जो गाइस आप जो है यहाँ पे दूसरा नंबर आप यूज करना चाहते हैं। सिंपली गाइस यहाँ पे हमने जो अपना दूसरे नंबर वाला एंटर कर दिया, जो आपको दूसरा नंबर यूज करना है वो गाइस आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों डन पे क्लिक करें एंड उसके बाद उसे यहाँ पे जो आपसे पूछ लो गाइस हम यहाँ पे कोड को एंटर कर देते हैं। एंड जी हाँ, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कोड जो है गाइस आपके नंबर पे आएगा तो गाइस आपका नंबर भी चलता होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपका नंबर जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। तो सिंपली गाइस यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ एंड ये गाइस ओटीपी जाएगा आपको, ठीक है, जो भी आपका दूसरा नंबर होगा। तो गाइस आप देख लेना जहाँ पे आपने दूसरा नंबर रखा होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप जो पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, चलो गाइस हमें पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। गाइस यहाँ पे आपको स्किप रिस्टोर कर देना है, यानी कि दोस्तों आप अगर लेना चाहते हैं तो रिस्टोर कर लेना डेटा, अदरवाइज गाइस यहाँ पे स्किप कर देना, ठीक है। यहाँ पे गाइस आपने जो है नेम दे दें, जो भी गाइस आप नेम देना चाहते हैं, बिजनेस नेम, जो भी गाइस यहाँ पे अपना जो बिजनेस कैटेगरी आ जाती है वो आप सेलेक्ट कर लें अदर बिजनेस। देन गाइस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इस तरीके से विंडो आ जाएगी एंड यहाँ पे आप जो है नोट नाउ कर दें एंड देन गाइस आपको ओके पे क्लिक करना है। एंड इस तरीके से गाइस आप देख लो आप जो दो व्हाट्सएप को एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये सिंपल सा मेथड, आप इस तरीके से फॉलो करके आप जो है दो व्हाट्सएप को अपने आईफोन में एक आईफोन में यूज़ कर सकते हैं अलग अलग नंबर के साथ। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।